कितने लोग? एक दो तीन चार? गेट खटखटाया और फिर उसने गोली मारी जो उसके शोल्डर में लगी। इसने गोली चलाई जो डॉग को लगी और कुत्ता मर गया। एक खोखा का जब्त हुआ है। कुत्ते को जो गोली मारी उसको इंजरी है कि नहीं? किसको? कुत्ते को। कुत्ते को तो कह रहे हैं कुत्ता मर गया। FIR में आया ऐसा? तो क्या क्या चाहते हैं? कुत्ते का पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहते हैं क्या? नहीं, PM रिपोर्ट तो है ये ना। कुत्ते का, कुत्ते का PM रिपोर्ट है। सॉरी आज तक कुत्ते को गोली मारने पे ही 307 का। आई एम इंप्रेस्ड दिस एक्चुअली। यस, एप्लीकेशन नंबर 307 का ऑफेंस है। 307 294 429 घर के घुसना 34। कितने लोग? एक दो तीन चार। कितने लोग? रोल FIR में मनोज, इसका रोल ये बताया है कि एक्यूज्ड मनोज के साथ जो इंजर्ड पब्लिक कंप्लेनेंट है उसका जमीनी विवाद चल रहा था। तो रात को जो है एक्यूज्ड के साथ ये प्रेजेंट एप्लीकेंट आया और एक्यूज्ड ने फायर किया जो उसको सोल्जर पे लगा। ये स्मेल ऑफ ब्लैकनिंग। इसका क्या क्या है इसका रोल? सिर्फ वहाँ मौजूद होने का ही है क्या कि और भी है इसका? एलिगेशन ये आया है कि एक्यूज्ड का जमीनी विवाद था कंप्लेनेंट से। वो आया रात में, गेट खटखटाया और फिर उसने गोली मारी जो उसके शोल्डर में लगी। और एक्यूज्ड का प्रेजेंट एप्लीकेंट का रोल ये बताया है कि इसने गोली चलाई जो डॉग को लगी। जो कुत्ते को लगी? कुत्ते को लगी और कुत्ता मर गया। नॉट अ फिट केस फॉर एक्सपीरियंस। मेरा जो सबमिशन है कि प्राइमा फेसे जो है ये इंसिडेंट है वो है 27/9/2022 का। हाँ। रात को 9:30 का और FIR हुई है 28/9/2022 को 12:30। दूसरा मतलब मेरा सबमिशन है कि वहाँ जो जो है एक खोखा जब्त हुआ है। हाँ? जो कांटे जब्त हुआ है वो केवल सिंगल काटे जब हुआ तो ठीक है। यू मस्ट यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फायरआर्म जहां पर खोखा इजेक्ट नहीं होता। लेकिन वो कुत्ते को जो गोली मारी उसको इंजरी है कि नहीं? किसको? उसको, उसको जरूरत नहीं। आपने गोली चलाई नहीं, वो गलती से वो कह रहा है कि कुत्ते को लग गई। तो कुत्ते को गोली लगी है नहीं ये मालूम? ये मेरा समझ। किसको? कुत्ते को। कुत्ते को तो कह रहे हैं कुत्ता मर गया। FIR में आया ऐसा? तो क्या क्या चाहते हैं? कुत्ते का पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहते हैं क्या? नहीं, PM रिपोर्ट तो है ये ना। कुत्ते का, कुत्ते का PM रिपोर्ट है। सॉरी आज तक मैलेट एक ये जो उसने लिखा गोली मारने से जो रीजन है यहाँ एक बार केवल कुत्ते को गोली मारने पे ही 307 का केस नहीं, उसका नहीं बनेगा। उसका 307 नहीं बनेगा, मगर फैक्ट है कि आपने चलाई थी गोली, उसके साथ आए और आपने गोली चलाई। सो वेदर यू हैड अ कॉमन इंटेंशन। ये चूंकि इनकी प्रीवियस इनकी रंजिश है और एक मिनट सिविल जो डिस्प्यूट था उसमें ये विटनेस था। I'm impressed. There's actually, dude, cardio neurogenic shock. The animal over.
इंसिडेंट कब का है? इंसिडेंट है मतलब 27/9/2020। एफआईआर कब का है? एफआईआर 28/12 दोपहर को 12:30 बजे। इंसिडेंट का टाइम क्या है? रात को 9:30 बजे 21:30। इनका एक्चुअली में इनका जो विवाद है, ये जो इंजर्ड है इसके फादर इन लॉ ने जमीन बेच दी, उसके ऊपर से ये विवाद है, और उसमें चूंकि जिसने खरीदी है मैं उसका विटनेस हूँ, ये सिविल डिस्प्यूट इनका चल रहा है। अगर किसी को सामने गोली मारी जाएगी कुत्ता तो कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, whether shooting would go to reflect that you hunt, maybe you shared a common intention. Maybe you shared a common intention, we will not make any observations. Surrender and take witness. Surrender either for police and as expeditiously as possible.